वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके बहन में बिल्कुल फिट फाट है। इतने दिन हो गए आपके बहन ने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे हो रहे हैं मंथली पेपर, जिसकी तैयारी में आपकी बहन वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज मैंने कहा इतने दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, तो कोई कर ही क्यों ना दूँ। है छोटे छोटे क्लिप तो मैंने बना के रखे हुए थे, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपलोड करती। अब मौसम आ गया छुल्लियों का, अब हर घर में छुल्ली छुल्ली छुल्ली। आप सबको भी अच्छी लगती होंगी यार, हम लोगों के घर के सामने ही खेत है। हम लोगों ने अंकल से जाके छलियाँ ली, उन्होंने हम लोगों को ताज़े ताज़े छलियाँ तोड़ के दिया है। ये बहुत मज़े की थी, सही मीठी मीठी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे उबाइल हुई भी नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। फिर हम लोगों ने खेले लूडो, मैं थी, मेरे पापा थे और दो आदत मेरे बहन भाई थे। आपकी बहन की किस्मत कोई इतनी सोई भी थी ना कि आपकी बहन का एक भी छः नहीं आ रहा था, लेकिन जब छः आते थे ना तो इकट्ठे तीन चार आ जाते होते थे। लेकिन फिर भी देखिए आपकी बहन ने गेम छोड़ी नहीं, खेलती रही और एंड पे सबसे पहले आपकी बहन ही जीती है। खैर अगले दिन था संडे, आपकी बहन के पराठे घर में इतने मशहूर हो गए ना कि सब ख्वाहिश करते हैं कि तुम एक दफ़ा पराठा बना के खिला दो। ये दो तीन हफ्ते हो गए, मेरे भाई ने मुझे कहा था कि एक पराठे की रेसिपी भेजी थी, मुझे कहते इवला पराठा बना के देना। मैंने कहा चले बना दूंगी, लेकिन फिर कभी मैं लेट उठती क्या होता। तो इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि इस दफ़ा कोई बहाना नहीं चलेगा, आज उठ के तुमने पराठा बना के ही देना है। आपकी बहन ने भी कहा अगर ये बच्चा है बार बार आके कह रहा है कि पराठा बना के दे दो, तो चलो इसका कोई भला कर देते हैं। फिर मैंने उठ के बनाया पराठा, इसकी रेसिपी पूरी वाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ये भी पूरी हो गई है, लेकिन पराठा बड़े मज़े का बना था, सही हैवी पराठा था। लेकिन यहाँ से आपकी बहन ने चौथा हिस्सा भी ना खाया होगा, और भाई पूरा पराठा खा गया और किसी को चेक भी नहीं करवाया ना। बाद में पापा ये तो कहते हैं कि ओ याद नहीं रही आपके लिए पराठा छोटा बड़े मज़े का बना था। ये मैं अपने पराठों की तारीफ खुद नहीं कर रही, ये भाई ने की थी, ठीक है ना। आप फिर आपकी बहन का मंडे को था मैथ्स का पेपर, आपकी बहन ने मैथ के पेपर की तैयारी, और इतने मज़े का मौसम बन गया है। जिस दिन इतना मज़े का मौसम होता है उस दिन तो ना तो पढ़ने का दिल करता है और ना कुछ और करने का दिल करता है, बस सोने का दिल करता है। मुझे तो सोने का दिल करता है। और ये कब आपकी बहन का फेवरेट था जिसपे कभी चाय नहीं पी थी, मैंने कहा क्यों ना इसे आम चाय पी के ट्राई कर लेते हैं, मज़ा ले ही लेते हैं। है व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं एंड, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।